अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCO, केमिस्ट्री क्लास 10th, चैप्टर नंबर 9। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव किया था, जिसे हमने नेम दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का, KC से हमने डोनेट किया था, जिसमें हमेशा क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज ए न्यूमरेटर लिखे जाते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो एज डिनोमिनेटर लिखे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से डिस्कस करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, उसका फार्मूला क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स जो हैं वो कैसे डिराइव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को कोई रिएक्शन दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि डिराइव द यूनिट्स फॉर KC फॉर अ गिवन रिएक्शन, के दिए गए रिएक्शन के लिए KC के यूनिट्स जो हैं वो डिराइव करें, वो अखज़ करें। तो आप लोग वो कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है। ये टॉपिक लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो है एज अ शॉर्ट जो है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग के हवाले से भी इसे आप लोग कंसिडर करेंगे, जिसमें डेफिनेशन है, फार्मूला है और इसके यूनिट्स हैं। तो डिफाइन करने लगे हैं हम, लास्ट टाइम हमने जो एक्सप्रेशन जो KC के लिए डिराइव किया था वो हमारे पास था, KC इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन की पावर C, D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर D एंड ओवर A की मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल a, B के मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल b। अब इसमें क्या है, ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स के जो कोफिशेंट्स हैं वो एज अ पावर के तौर पर लिखे गए हैं। ऊपर हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के जो हमारे पास कोफिशेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो कुवत नमाई के तौर पर, एक्सपोनेंट के तौर पर, पावर के तौर पर लिखे गए हैं। और नीचे जो हमारे पास हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और इसी तरीके से रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो रिएक्टेंट्स के हमारे पास कोफिशेंट्स हैं, वो उनकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना दी गई है। तो इसी हवाले से हम डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को, कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट। क्या है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट हासिल ज़रब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशंस कौन सी, मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट, जो कोफिशेंट हैं, कोफिशेंट मीन नंबर ऑफ मोल्स, कोफिशेंट मीन नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल, आप एक इक्वेशन लिखते हैं N2+3H2 गोज़ टू 2NH3, यहाँ पर हम रिएक्शन कौन सा लेंगे, रिवर्सिबल। अब यहाँ पर देखें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, अब ये क्या हैं, कोफिशेंट हैं, कि किसी भी वेरिएबल से पहले जो डिजिट लगाया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशेंट कहलाता है। और इस केमिस्ट्री के अंदर जो पहले डिजिट्स लगाए जाते हैं एलिमेंट्स की सैंपल से, वो एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशेंट कहते हैं। तो हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट, के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब और उनके कोफिशेंट्स को बतौर कुवत नमाई टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किस चीज़ के साथ निस्बत है, किस चीज़ के साथ रेशो है, के प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट, और इनके भी जो कोफिशेंट्स होंगे वो किस चीज़ के तौर पर लिखे जाएंगे, रेज टू द पावर, पावर के तौर पर लिखे जाएंगे, एज एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे गए हैं। यहाँ पर कोफिशेंट 2 है, यहाँ पर कोफिशेंट 3 है, यहाँ पर कोफिशेंट 1 है। बात क्लियर हो गई, क्या डिफाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट टू द
product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in balanced chemical equation. और यही हमारे पास इसका formula होगा, Kc is equal to product of concentration of products raised to the power of coefficient over product of concentration of reactants raised to the power of coefficient. यही हमारे पास इस Kc का, इस equilibrium constant का formula होगा, जिसकी मदद से हम लोग क्या derive करेंगे, units of Kc. mind में रखना है कि हमेशा जब भी equilibrium constant expression लिखेंगे, always numerator में हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, और डिनोमिनेटर में क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी कैसे, कि इनकी मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट. यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो केसी की वैल्यू है, जो केसी की हमारे पास यूनिट्स हैं, जो इसकी वैल्यू है, वो डिपेंड करेगी केसी की वैल्यू, कि केसी की कितनी वैल्यू आई है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि केसी की वैल्यू का इन्हसार किस चीज़ पर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है. तो आप लोगों ने किस चीज़ को टिक करना है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. अगर आप लोग टेम्परेचर वेरी करते जाएंगे तो केसी की वैल्यू भी वेरी करती जाएगी. उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, एज अ कैटलिस्ट है, टेम्परेचर रिएक्शन को फास्ट कर देगा. जब रिएक्शन जाहिर बात है फास्ट हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट किस चीज़ पर होगा, रिएक्शन के रेट के ऊपर, कि कितनी तेज़ी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं. इस तरीके से प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रेशो है वो अफेक्ट होगी, और जिसका किस चीज़ के ऊपर अफेक्ट होगा, किस चीज़ के ऊपर असर होगा, केसी की वैल्यू के ऊपर. किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, केसी की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि केसी क्या है, रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के दरमियान एक रेशो है. जब ये रेशो डिस्टर्ब होती है तो केसी की वैल्यू भी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो जाएगी. यहाँ पर बात क्लियर हो गई. अब हम यूनिट्स की तरफ आते हैं कि यूनिट्स हमने कैसे डिराइव करने हैं. बाज़ औक़ात बच्चे लिख देते हैं कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसका यूनिट है. ये हरगिज़ नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसकी इक्वेशन के ऊपर, उसकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर. जबकि ये जो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, ये एक्चुअल में किस चीज़ का यूनिट है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है, एक्टिव मास का यूनिट है. अब इसकी बेटा दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन ये है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मोल्स की तादाद सेम होगी, इक्वल होगी, तब जो है उस केसी का क्या यूनिट होगा. दूसरी बात, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, के दोनों साइडों पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पर जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद अनइक्वल होगी, बराबर नहीं होगी, तब उसके क्या यूनिट होंगे. पहली कंडीशन को हम देखते हैं. हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे पहले. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है H2I2, हाइड्रोजन और आयोडीन का एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहे हैं. हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. अब यहां पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल्स. प्रोडक्ट्स को देखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है, प्रोडक्ट्स पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं. इसका मतलब दोनों साइडों पर, इक्वेशंस की बोथ साइड पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, मोल्स की तादाद बराबर है. तो इसके लिए जो हमने यूनिट्स निकालेंगे वो हम निकाल कर देखते हैं. अब सबसे पहले इसके लिए हमने क्या लिखना है, केसी एक्सप्रेशन लिखना है. क्या लिखेंगे, केसी एक्सप्रेशन. हाँ जी, हमारे पास था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट. दोनों का कोफिशेंट 1 है तो 1 जो है वो नहीं लिखा करते.
हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे, इसका हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, H2 की मोलर कंसंट्रेशन एंड I2 की मोलर कंसंट्रेशन। अब हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट, कितनी है कोफिशेंट, 2 है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे, इज इक्वल टू लगेगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट KR है HI की मोलर कंसंट्रेशन का स्केयर। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने लगानी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब दोनों की हम वैल्यूज लिखने लगे हैं, KF H2 की मोलर कंसंट्रेशन I2 की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KR HI की मोलर कंसंट्रेशन का स्केयर। HI की मोलर कंसंट्रेशन का क्या होगा, स्केयर होगा। अब हमने क्या करना है कि रेट कांस्टेंट्स को एक साइड पर और जो हमने वेरिएबल्स हैं जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं ये दूसरी साइड पर, क्या होगा KF ओवर KR इज इक्वल टू HI की मोलर कंसंट्रेशन का स्केयर डिवाइडेड बाय H2 की मोलर कंसंट्रेशन एंड I2 की मोलर कंसंट्रेशन। अब आप लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहां पर क्या आ जाएगा, KC HI का मोलर कंसंट्रेशन का स्केयर डिवाइडेड बाय H2 की मोलर कंसंट्रेशन एंड I2 की मोलर कंसंट्रेशन, ये ड्राइव हो गया। वैल्यूज लिखने लगे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखने लगा। हाँ जी, हमारे पास था KC इज इक्वल टू HI की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर इसका स्केयर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। नीचे हम देखते हैं H2 की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, कोफिशेंट एक ही है तो वैसे की वैसे रहेगी। यहां पर I2 की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब 2 का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ओपन कर देंगे जी, KC इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, 2 टाइम्स कर रहे हैं हम इसको, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमारे पास ऊपर भी एक्टिव मास के मोलर कंसंट्रेशन के 2 यूनिट्स हैं, नीचे भी क्या हैं, 2 यूनिट्स हैं, तो ये आपस में आपको पता है डिवीजन में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है KC का कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा, नो यूनिट होगा। तो हम कहते हैं कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड पर मोल्स की तादाद बराबर होगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, तो ऐसी इक्वेशन के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो कोई भी नहीं होगा, नो यूनिट। बात समझ आ गई कि KC हैज नो यूनिट्स व्हेन देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बिकॉज दे कैंसल आउट विद ईच अदर, क्योंकि वो आपस में कट जाते हैं। इस वजह से ऐसे हमारे पास इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसके बरक्स हम देखते हैं कि अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स का कोई ना कोई यूनिट होगा, वो आप लोग डिराइव करेंगे, हर इक्वेशन का वो डिफरेंट यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स का एक रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, N2H2 goes to NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमारे पास रिएक्शन है जिसमें क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं और यहां पर 3 लगाते हैं, क्योंकि हमने यूनिट में कहा था, डेफिनेशन में भी कहा था एज एक्सप्रेस इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन की कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले KC एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। हाँ जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की मोलर कंसंट्रेशन, H2 की मोलर कंसंट्रेशन का क्या आ जाएगा, क्यूब।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटे प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करने के बाद स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट लगेगा, के एफ एन टू की मोलर कंसंट्रेशन एच टू की मोलर कंसंट्रेशन के क्यूब का प्रोडक्ट आ गया। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एच थ्री की मोलर कंसंट्रेशन का क्या आ जाएगा, कोफिशेंट किस चीज़ के तौर पर लिखते हैं, पावर के तौर पर, कोफिशेंट क्या है, टू है, तो इस मोलर कंसंट्रेशन की पावर। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए रिवर्स रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के आर एन एच थ्री की मोलर कंसंट्रेशन का स्केयर। कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब दोनों की हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे के एफ। अब हमारे पास क्या आएगा, एन टू की मोलर कंसंट्रेशन एच टू की मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब इज इक्वल टू के आर एन एच थ्री की मोलर कंसंट्रेशन का स्केयर। अब के एफ ओवर के आर बिकम्स इक्वल टू एन एच थ्री की मोलर कंसंट्रेशन का स्केयर डिवाइडेड बाय एन टू की मोलर कंसंट्रेशन एंड एच टू की मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब किसके इक्वल है, के सी के, के सी एक्सप्रेशन क्या आया है, एन एच थ्री का स्केयर डिवाइडेड बाय एन टू की मोलर कंसंट्रेशन एंड एच टू की मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब। अब मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स पुट कर देते हैं, आप लोगों को पता है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। यूनिट्स पुट कर रहे हैं NH3 की मोलर कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, पावर क्या है, स्केयर है, डिवाइडेड बाय N2 की मोलर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमारे पास H2 की मोलर कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, पावर क्या है, थ्री है, क्यूब है, तो इसका क्यूब आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब दो यूनिट्स से कैंसल एक बच गया, अब हमारे पास नीचे क्या हो गया, एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, कितना हो जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्केयर। जब जारी बात है स्केयर को ओपन करेंगे मोल का भी स्केयर हो जाएगा और डेसीमीटर माइनस थ्री जब स्केयर होगा माइनस सिक्स हो जाएगा, वन ओवर मोल का स्केयर डेसीमीटर की माइनस सिक्स है। अब जब किसी भी हम डिजिट को, क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर्स हैं उनकी जो सिंबल है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हमारे पास जो केसी का यूनिट आएगा मोल का स्केयर ऊपर आकर क्या हो जाएगा, मोल पर स्केयर डेसीमीटर माइनस सिक्स का क्या हो जाएगा, डेसीमीटर सिक्स। तो ये इस रिएक्शन के केसी का यूनिट आ गया है। तो ये दो बातें जो हमने यहाँ से अखज की हैं वो ये है कि जब इक्वेशन की दोनों साइड पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद बराबर होगी तब उसके लिए कोई यूनिट नहीं होगा, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पर अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तब उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स वो यहाँ पर एंड होता है। इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।